साथियों नमस्कार। आज भाई बहुत बड़ी मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ और आप लोगों को बता दूँ 100% जो इंक्वायरी है 100% सही इंक्वायरी दूंगा, क्योंकि ये इंक्वायरी DGCA यानी बता दूँ आपको फुल फॉर्म इसको बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविनेशन। जी हाँ साथियों, इसको अगर हिंदी में नॉर्मली बात बता दूँ तो ये जो इंडिया की जितनी भी फ्लाइटें इंडिया में आती हैं बाहर से सब कंट्रियों से, ठीक है, और इंडिया की पूरी फ्लाइटें बाहर जाती हैं, तो ये एक संस्था है इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करती हैं फ्लाइट से रिलेटेड, किसको आना है किसको जाना है पूरा सिस्टम इसी के अंडर में आता है, और जो मंत्री संतरी होते हैं तो सब इसी के अंडर में काम करते हैं, ये समझ लीजिए शॉर्ट तरीके से। तो भाई इन्होंने बहुत बड़ी ये घोषणा की है, 870 फ्लाइटों को मंजूरी दी है इंटरनेशनल फ्लाइटों को इंडिया में आने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है। 2 लाख प्लस इंडियन लोग इधर से जाएंगे उधर और इधर से आएंगे, यानी इनबाउंड और आउटबाउंड, यानी 2 लाख लोग 870 फ्लाइटों से भाई आना जाना हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी न्यूज़ है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, GDCA ने ट्वीट किया था, सुबह की डेट है ये, 15 जून का न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, लेटेस्ट है आज की, कोई पहले की नहीं है। हालांकि इसमें डेट डिसाइड अभी हो जाएगा जल्दी, एक दो दिन के अंदर, और इसका रीज़न मैं बता दूँ भाई, इसका बहुत ज़्यादा आप लोगों की वजह से हुआ है सब कुछ, मैं मानता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन है भाई, जनता सब कुछ बनाती है, जनता ही सब कुछ बिगाड़ती है, आपको पता होना चाहिए। इतना ज़्यादा प्रेशर तो पड़ता ही है, हालांकि आप ट्वीट करते हो सोशल मीडिया पे आंसर नहीं मिलो चाहे, लेकिन इनडायरेक्टली एक माइंड पे वजन पड़ता है कि यार सच में हो रहा है ऐसा। तो इसी सिस्टम को देखते हुए, आप लोगों की परेशानी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। DGCA ने 870 फ्लाइटें अभी आने वाले टाइम में चलाई जाएंगी, जिसमें 2 लाख लोग आउटबाउंड और इनबाउंड होंगे, यानी आने जाने का काम होगा 2 लाख यात्रियों का। तो भाई मुझे नहीं लगता आप लोग बचोगे, सबके सब आ जाओगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं बता दूं भाई कौन कौन सी कंट्रियों से कैसे कैसे फ्लाइटों का आगे भी शेड्यूल इसमें दिया गया है। इसमें बता दूं भाई, कतर एयरवेज में 81 फ्लाइटों का शेड्यूल दिया गया है, KLM डच में 68 है, डच पुर्तगाल जिसको बोल सकते हो, कुवैत एयर एशिया, कुवैत एयर यानी वहाँ की फ्लाइटों के नाम है, 41 फ्लाइटें दी गई हैं, 41 ब्रिटिश एयरवेज को 39 दी गई हैं, फ्लाई दुबई, दुबई के लिए 38 फ्लाइटें दी गई हैं साथियों, एयर फ्रांस 32, जजीरा 30, एयर अरबिया 20, गल्फ एयर 19, श्रीलंका 19 सहित प्रमुख एयरलाइंस विमान, बांग्लादेश के लिए 15, कोरियाई एयर उन्हें दक्षिणी कोरिया जिसको बोल सकते हैं 14 फ्लाइट, डेल्टा 13, सऊदी अरबिया 13, एयर निपान 12 से संचालन में भाग लिए, यानी ये फ्लाइटें आने वाली हैं। अब आगे देख लीजिए, इसके अतिरिक्त और भी हैं एयरलाइंस हैं, जैसे न्यूजीलैंड से 12 है, थाईलैंड एयर एशिया 11, यूनाइटेड एयरलाइंस 11, इराकी एयरवेज 11, ओमान एयरवेज 10, यूराल एयरवेज 9, लुफ्थांसा 8, सोमन एयर 8, कोडोर 8, इमरेट्स 5, एतिहाद 5, एरोफ्लोट 4, अटलांटिक 4 ने भी चार्टर्ड ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यानी ये तो बहुत शॉर्ट इसमें बताया गया है भाई, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें नहीं बताया गया है। बाकी 870 फ्लाइटें इंडिया आने वाले टाइम में आएंगी, और विदेशी फ्लाइटें हैं भाई सबकी सब, तो आप ये मत बोलना यार सरकार अपना खेल खेल रही है और पैसा कमा रही है, विदेशी फ्लाइटों को भी ऑप्शन दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग विदेशी फ्लाइटों से इंडिया बहुत जल्द पहुंच जाओगे, इसकी शुरुआत एक दो दिन में हो जाएगी, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी है भाई, कमर कस के तैयार रहें। आपके लिए सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, आप लोग भी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि ये वीडियो सब लोगों तक पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।